फिरोजाबाद पुलिस में हड़कंप है। 14 अप्रैल को यहां की रामगढ़ थाना पुलिस लॉकडाउन तोड़ने के इल्जाम में एक युवक को पकड़कर थाने लाई थी। युवक की अब कोरोना रिपोर्ट आई है, वो पॉजिटिव निकला। इसके बाद रामगढ़ थाने के SHO और 26 अन्य पुलिस कर्मियों को फौरन क्वारंटीन कर दिया गया। 14 तारीख को एक मुलजिम की गिरफ्तारी की गई थी लॉकडाउन तोड़ने के आरोप में। ये मुलजिम बाद में पॉजिटिव पाया गया, इसका नाम हाशिम है। और जब उसे पॉजिटिव के बारे में उसके होने का पता चला तो एहतियातन उस शिफ्ट में जो थाना में जो भी कार्यरत कर्मचारीगण थे इंक्लूडिंग SHO सभी को क्वारंटाइन किया गया है। हड़कंप बरेली पुलिस में भी है, यहाँ 55 पुलिस कर्मियों को क्वारंटीन किया गया है। ये पुलिस कर्मी छुट्टी लेकर अपने घर गए थे लेकिन लॉकडाउन की वजह से देरी से ड्यूटी पर नहीं आए। ये सभी पुलिस कर्मी उन शहरों से आए हैं जहाँ से कोरोना केस सामने आए हैं, इसलिए एहतियात के तौर पर ये कदम उठाया गया है। हमारा बरेली में अभी एक भी कोरोना के पेशेंट नहीं, अभी हम ग्रीन जोन में हैं। तो इन लोगों को एहतियात के तौर पे हमने जिला अस्पताल भेजा, वहाँ पर उनका सैंपल लिया गया। सैंपल लेने के बाद उनका जो टेस्ट है निगेटिव आया, लेकिन फिर भी एज पर रूल उन्हें जो है होम क्वारंटाइन के लिए 14 दिन के लिए उन्हें रख दिया गया है। गौरतलब है कि इससे पहले मुरादाबाद के नागफनी थाने के 73 पुलिस कर्मियों को एहतियातन क्वारंटीन किया जा चुका है। इस बीच में यूपी में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कल यूपी में कोरोना के 61 नए केस सामने आए थे। इसे मिलाकर देश के सबसे बड़े सूबे में कोरोना केस 1510 हो गए हैं। अब यूपी के कोरोना हॉटस्पॉट शहर की बात करें तो 335 कोरोना संक्रमितों के साथ आगरा में महामारी का सबसे बुरा असर है। राजधानी लखनऊ में भी 174 केस आ चुके हैं। दिल्ली से सटे नोएडा में 103 केस मिले हैं। सहारनपुर, मुरादाबाद और कानपुर भी कोरोना संक्रमण के मामले में शतक की ओर बढ़ रहा है। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में कल 4 नए मरीज सामने आए हैं, जिससे यहां कुल केस 48 से बढ़कर 52 हो गए। गौतम बुद्ध नगर यानी नोएडा से अच्छी बात यह है कि यहां से कोई नया केस नहीं आया है। फिरोजाबाद से सुधीर शर्मा और बरेली से कृष्ण राज के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ